छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भोजन को सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला लिया था। श्रमवीरों के सम्मान में सभी कांग्रेसी 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आम आदमी भी इस दिन श्रम का सम्मान करते हुए पारंपरिक भोजन बोरेबासी को खाए और बोरेबासी खाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में अवश्य पोस्ट करे। उनको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को कोई लेना देना नहीं। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कर लोग हैं, चाहे किसान हो मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ की परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबासी खाओ और अपन अपन सोशल मीडिया में जरूर डालो। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरी तरह विफल है, कोई अपना नाम वापस ले रहा है तो कोई पार्टी को। मतलब अभी भी भारतीय जनता पार्टी वही हथकंडे अपना रही है जो सरकार बदलने के लिए करती थी। सांसदों खरीद फरोख्त करते थे, विधायकों खरीद फरोख्त करते थे, अब कैंडिडेट खरीद फरोख्त कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सर, नक्सल मुठभेड़ हुई है, पुलिस आरक्षण को लेकर समय सर बयान आ रहे भाजपा के नेताओं सर, आप जो आरक्षण पारित कराए तो अभी भी लंबित है। तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होगा, एसटी एससी का नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग? 37% आरक्षण तो हमने पास किया विधानसभा से, अभी तक लंबित है। इसका मतलब यह है कि आरक्षण के विरोधी हैं, स्पष्ट हो जाता है। सर, नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, 7 नक्सलियों की अभी तक मारे जाने की खबर है। जवानों को बधाई और लगातार इस प्रकार से गतिविधि जारी रखनी चाहिए ताकि नक्सली और बेखौफ न आए।